नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति समाचारों के साथ मैं इरशाद अली। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम के साथ लगी पासबुक प्रिंटिंग मशीन लंबे अरसे से खराब पड़ी है। इससे उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर उपभोक्ता पासबुक प्रिंट बैंक के अंदर करवाने जाता है तो कई उपभोक्ताओं को बोल दिया जाता है कि प्रिंट करने की मशीन बाहर लगी हुई है, उसी से अपनी पासबुक प्रिंट निकालो। अनजान उपभोक्ता उस खराब पड़ी मशीन में से माथापच्ची करता रहता है, क्योंकि ग्रामीण व अनपढ़ उपभोक्ताओं को मशीन में आ रहे मैसेज के बारे में पता नहीं चलता। वहीं पढ़े लिखे उपभोक्ता बैंक के अंदर पासबुक प्रिंट करवाने जाते हैं तो उन्हें लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और लंबी लाइनों में लगे उपभोक्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता। जान पहचान एवं प्रभावशाली उपभोक्ताओं का कार्यकर्ता से हटकर प्राथमिकता से कार्य करते रहते हैं। लाइन में लगे उपभोक्ता परेशान होकर लंबे समय तक खड़े रहकर बिना काम करवाए ही निराश होकर लौट जाते हैं। वहीं उपभोक्ता बैंक कर्मचारियों की कार्यशैली को लेकर काफ़ी असंतुष्ट हैं। आरबीआई के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए 3 बजे तक लंच टाइम का बहाना लगाकर कामकाज बंद रखते हैं। अनेक उपभोक्ताओं ने अनूपगढ़ ज्योति टीम को बताया कि एटीएम मशीन में अनेक उपभोक्ताओं के पैसे अटक जाते हैं और फिर उसका समाधान करवाने के लिए ग्राहक का पूरा दिन खराब हो जाता है। जबकि बैंक भवन के साथ ही एटीएम कैबिन संचालित है और उसमें शाखा प्रबंधक सहित अधिकारी गण मौजूद होते हुए उन्हें पासबुक प्रिंटिंग मशीन जो लंबे समय से खराब चल रही है उसे ठीक नहीं करवाया जा रहा है। शाखा प्रबंधक उपभोक्ताओं की दुविधा से कोई मतलब नहीं है, उपभोक्ताओं से कोई सरोकार नहीं रखते हैं। एसबीआई बैंक के उच्च अधिकारियों से मांग है कि एसबीआई अनूपगढ़ में व्यवस्थाएं बहाल कर ग्राहकों को ये बैंक की तरफ से पासबुक का प्रिंट निकालने की मशीन है और हमें उपभोक्ताओं ने बताया है कि काफी टाइम से ये मशीन जो है प्रिंट नहीं दे रही है, इसमें तकनीकी खराबी है और इसको बैंक सही नहीं करवा रहा। इससे उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें ये नहीं पता लगता कि भी हमारे जो है अकाउंट्स में कितना बकाया है, करंट में कितना पैसा है, कितना किसको लेन देन किया है। तो पासबुक का प्रिंट नहीं निकलने से उपभोक्ता भारी परेशानी में है। बैंक इसको ठीक नहीं करवा रहा है। उपभोक्ताओं की दुविधाओं को देखते हुए बैंक को तुरंत इस मशीन को सही करवाना चाहिए। मशीन लगाने का औचित्य क्या है? उपभोक्ताओं को फैसिलिटी देना, उपभोक्ताओं को सुविधा देना। और जब मशीन ही खराब होगी और वो प्रिंट नहीं निकालेगी तो इसका यहाँ लगाने का कोई तात्पर्य नहीं है, कोई मतलब नहीं निकलता। बैंक बाजू में बैंक है, उन अधिकारियों को पता होना चाहिए कि ये जो है मशीन खराब है, इसमें तकनीकी खराबी है, वो इंजीनियर को बुलाकर इसको सही करवा सकते हैं, लेकिन वो इस ओर ध्यान नहीं देते। बैंकों को उदासीनता के चलते उपभोक्ता परेशान रहते हैं। वो उदासीन रहते हैं कि उन्हें नहीं मतलब है भी उपभोक्ताओं की क्या दुविधा होती है और क्या परेशानी है, उनकी परेशानियों को दूर किया जाए। और ये भी है, सभी बैंकों में ये होता है प्राय करके कि लंच टाइम नहीं है। आरबीआई के सख्त निर्देश है कि कोई लंच टाइम नहीं, और सभी बैंक लंच टाइम करते हैं। ये भी बैंक करता है, बाजू में बैंक है जो एसबीआई। और उपभोक्ताओं ने कई बार हमें बताया भी है और हमने भी बहुत कोशिश की है कि ये चलो लंच करे, हम ये नहीं कहते कि वो खाना नहीं खाए, खाना खाए थोड़ी देर के लिए, लेकिन 3 बजे तक रहता है और जान पहचान का कोई आता है तो उसे तुरंत पैसे निकाल देते हैं, अनजान को नहीं देते। ये गलत है, ऐसा हम नहीं होना चाहिए। बैंक के उच्च अधिकारी इसको ध्यान देकर उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करें। मशीन तो ये खराब है, ये इसलिए तो बैंक में जाते हैं और बैंक में जाते हैं दोबारा टोकन लो, टोकन ले लिया और टोकन लेने के बाद 1 घंटा इंतजार किया, उसके बाद बोले कि सिस्टम बंद हो गया, 4 बजे सिस्टम बंद हो जाता है। हम 4 बजे से पहले जाके बैंक में बैठते हैं, 1:37 का टोकन मिला है, उसके बाद 1:37 तक चला, उसके बाद बंद हो गया सिस्टम और बोले सुबह मिलेंगे, सुबह आना पड़ता है। बैंक में जाओ, बैंक में टोकन लेते हैं और उसके बाद सिस्टम बंद हो जाते हैं, वापस आना पड़ता है। 37 नंबर का टोकन है मेरे पास में और
133 तक लेके और पेमेंट उन्होंने बंद कर दी और बड़े सुबह आना है कल को होगा। करके बोलना है हाँ तो कभी इसमें पैसे भी अड़ जाते हैं कभी आओ एक दिन रहो कल हम बैठने के लिए आए और मशीन खराब थी पैसे बीच में अड़ के और अंदर गए अंदर देखो करो बैठ के किसी में आई मजाक करना है उसमें पेट्रोल और लगी है। अच्छा किस चीज़ की पैसे अड़ गया एप्लीकेशन लगाई भी है इसके अंदर अड़े मेरे वो अंदर जा के 50 रुपये हम लोग और ये पासबुक वाले भी मशीन खराब पड़ी है ना वो भी कल के लिए नहीं तो मतलब पैसे होते ही नहीं है क्या फ़ायदा था पैसे निकालते और अंदर पैसे और जमा नहीं करते उधर जमा करवाने जाओ उधर नहीं आते फोन में देते हैं उठाई नहीं करते हैं चैनल को सपोर्ट करती हूँ। आप लोग अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस पर लाइक और कमेंट करें और इसके वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।